नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस के स्पीकअप इंडिया अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार से रोजाना मांगना कांग्रेस नेताओं की आदत में शुमार हो गया। अच्छा होगा कांग्रेस विधानसभा चुनाव के समय जनता से जो वादे किए थे पहले उनको पूरा करे। स्पीकअप इंडिया के नाम से अपनी कुछ मांग केंद्र सरकार के सामने रखी कि 10,000 रुपया प्रति महीना उन सब लोगों के खाते में डालना चाहिए और नरेगा की मजदूरी हर व्यक्ति को 200 दिन तक मिले। सुझाव आपका बहुत ही अच्छा लगता है, आपको विशेष रूप से लगता है, पर मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ कांग्रेस के सभी बंधुओं से कि जो पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने जो कुछ कहा भगवान के लिए उसे तो कम से कम राजस्थान की जनता को दे दो। 10 दिन में कर्जा माफ की बात हुई, क्या हो गया क्या? सभी बेरोजगार लोगों को 3,000 रुपया महीने के हिसाब से पैसा मिलेगा, मिल गया।